जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल धुरीना मैथ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपका चला है वीडियो का पार्ट 3। इसी पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो रहा है और आपका चैप्टर भी। तो चलिए आज हम इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से अब हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करें, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पे तो 2 kg और 1 kg को बोला साथ में 160 रुपये। अगर सेब बोलता है 2 kg अंगूर का मूल्य क्या, यहाँ पे मैं रफ पेज अभी मैं निकाल ले रहा हूँ। अगर बोलता सिर्फ 2 kg, सिर्फ बोलता 2 kg अंगूर का मूल्य, 2 kg अंगूर का मूल्य अगर 160 है, सिर्फ 2 kg का बोलता है 160 है, दोनों के एक साथ नहीं, सिर्फ 2 kg अंगूर का बोलता है 160 है, तो 1 kg का कितना होगा आपको भी पता होगा, 1 kg का कितना, 80। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 kg सेब भी बोला गया और 1 kg अंगूर भी, टोटल मिला के 3 kg, और सेब का मूल्य अलग होगा और अंगूर का मूल्य अलग होगा जो कि हमें नहीं मालूम है। 1 kg सेब का मूल्य क्या और 1 kg अंगूर का मूल्य, तो हम इसे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना 1 kg, 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये तथा 1 kg अंगूर का मूल्य वाई रुपये। तो 2 kg, अब मान लीजिए कहीं भी आप दुकान पे जाते हैं, अब आपको मान लीजिए आपको 2 kg आपको सेब लेना है, मान लीजिए आपको 2 kg, या फिर मान लीजिए 3 kg आपको सेब लेना है 3 kg, तो पहले आप उससे क्या पूछते हैं, 1 kg का रेट आप पूछते हैं। 1 kg का अगर मूल्य मान लीजिए 30 रुपया है, या फिर मान लीजिए 50 रुपये हैं, तो 3 kg का कितना होगा, 150। तो यहाँ पे हमें क्या है, 1 kg का हमारे पास नहीं मालूम है, तो हमने क्या माना, x माना है। तो 2 kg सेब का मूल्य कितना हुआ, तो आपको पता है 2 kg सेब का मूल्य कितना हुआ, तो x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x, कितना होगा 2x। तो यहाँ पर जाएगा हमारा प्रश्नानुसार क्या होगा, 2 kg सेब का मूल्य कितना हो, 2x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य, तो मान लीजिए 1 kg अंगूर का मूल्य हमने क्या माना, वाई, तो 1 kg अंगूर का मूल्य हो जाएगा वाई, और टोटल इन्होंने कितना में खरीदा है, 160 में। ओके, अब यहाँ पे फिर से क्या कह रहे हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो 4 kg सेब का मूल्य क्या हुआ, जब 1 kg का मूल्य 100 रुपये है, तो 4 kg का 4x प्लस 2 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये, तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना होगा, 2y इजिकल टू कितना में, तो 300 रुपये हो जाता है, 300 रुपये हो जाता है। ओके, ये होगा हमारा समीकरण दूसरा। अब चलिए इसमें एक समीकरण एक से हल करने पर, समीकरण एक से हल करने पर x पर हम कितना रखेंगे, 60, x इजिकल टू 60 पर, तो x का मान अगर हम 60 रखते हैं समीकरण एक में, तो 2, x की जगह पे कितना रखेंगे, 60 प्लस का y इजिकल टू 160। अब देखिए 60 दूना कितना होगा, 120, 60 दूना हो जाएगा हमारा 120 प्लस का y इजिकल टू 160, y इजिकल टू 160, और ये इस तरफ है, इधर जाएगा तो माइनस का 120। अब y का मान कितना, 60 में से 120 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 40, तो y का मान इतना है। अब y का मान 80 पर, y का मान 80 अगर हम रखेंगे, y का मान अगर हम 80 पर रखेंगे, तो यानी कि यहाँ पे समीकरण एक में रखना है, तो 2x प्लस y का मान कितना रखना है, 80, तो 80 यहाँ पे कितना है, y है ना, तो y, तो इसी पर 80 इजिकल टू 160, 2x इजिकल टू, ये इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का, तो 160 माइनस का 80, यहाँ पे 2x, 160 में से 80 घटाइएगा तो हो जाएगा हमारे पास
80, अब इधर ये गुणा, ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x इज इक्वल टू 80/2, इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40। ये हमारा आ गया x का मान। अब देखते हैं, अब हम बॉक्स बना लेते हैं एक, कि हमारे पास कितना कितना है। तो चलिए हम बॉक्स बना लेते हैं x का, और ये y का बॉक्स है। जब हमने x का मान 60 रखा है तो y का मान कितना है 40। x का मान जब हमने 60 रखा है तो y का मान आया 40, और जब हमने y का मान 80 रखा है, y का मान 80 रखा है तो x का मान कितना है 40, तो 40। अब चलते हैं दूसरी समीकरण की ओर। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण दो को हल करने पर, यानी कि अब समीकरण दो को हल करने पर तो हमारा समीकरण दो क्या है, तो हमारा 4x+2y इजकल टू 300 है। यहाँ पर हमारा जगह 4x+2y इजकल टू 300। अब हम इसमें x का मान, मान लीजिए हमने 50 रखा, यानी कि x इजकल टू 50 पर x का मान हमने 50 रखा, तो 4x की जगह पर आपको 50 रखना है, तो 50+2y इजकल टू 300। 50 को 4y मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 200+2y इजकल टू 300। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 इस तरफ गया तो 2y इजकल टू, इधर ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 300 माइनस का 200, 2y इजकल टू 300 में से 200 घटेगा तो आ जाएगा आपका 100, और यहाँ पर इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 100/2 कट जाएगा नीचे से, तो कितना जाएगा 50, y का वैल्यू आया 50। अब चलिए हम एक बार y का मान रखते हैं, तो y का मान हम 100 पर रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4x+2y इजिकल टू 300। 4x y की जगह पे कितना रखना है 100, क्योंकि ये गुणा में है तो गुणा में हमें y को रखना पड़ेगा 2, y का मान 100 है तो 100+ इजिकल टू 300। 4x 100 को 200 मिनट पर 200 इजिकल टू 4x। अब इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 300-200, 4x इजिकल टू 300 में से 200 घटाइएगा तो आ जाएगा 100, और x इजिकल टू इधर ये गुणा में दे जाएगा तो भाग में बटे में 4। अब आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, 25 आएगा। अब चलिए अब हम बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा 4 से जो हम 100 को भाग दिए तो कितना है 25, तो चलिए अब हम इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, इक्वेशन जिसे हम समीकरण बॉक्स कहते हैं। तो चलिए एक बॉक्स बना लिए, ये है x का और ये है y का। जब हमने x का मान जब हमने 50 रखा है, यहाँ पे देखिए x का मान जब हमने 50 रखा है तो y का मान कितना है 50। जब x का मान हमने 50 रखा है तो y का मान 50, और जब हमने y का मान 100 रखा है तो x की वैल्यू 25 है, 100 तो इसका कितना है 25 है। तो चलिए अब हम थैंक यू, और आपको इस वीडियो की अब पैराग्राफ की यानी कि फोर्थ वीडियो आने वाली है, पार्ट 4 वीडियो में आपको ग्राफ भी इन सभी समीकरण को आपको करके दिखलाऊंगा और आपको बताऊंगा ये प्रतिच्छेदीय समांतर है या फिर संपातीय। तो चलिए गैस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सभी को, आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।